अच्छा, सास बहू का जो झगड़ा है इधर है, इधर भी है। हे, इस सास बहू का झगड़ा इधर रोज गए। तौबा करो मेरी माँ बहनों। देखिए झगड़ा नहीं होगा, हर बहू अगर समझ ले कि ये मेरी सास नहीं मेरी माँ है, हर बहू समझ ले कि ये मेरी सास नहीं माँ है, और हर सास समझ ले कि ये मेरी बहू नहीं बेटी है, तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, जहाँ पर झगड़ा होना वहाँ बरकतें नहीं होती, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल नहीं होगा। तौबा करो। हम बहुओं से कहना चाहते कि अपनी सास की खिदमत करो, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं लो, हालांकि तुम्हारे ऊपर में ये खिदमत नहीं है। बहू के ऊपर में सास ससुर की खिदमत नहीं है। अच्छा, जो बहू है होगी बड़ी खुश होंगी, जब झगड़ा होगी तब बोलेगी मौली साहब तक ही नहीं सुन ले रहे। नहीं, हम ये कहते हैं, देखिए अब हमने शादी किया, अब मेरी बीवी है, अब मेरी बीवी मेरे माँ बाप की खिदमत ना करे तो हम जोर नहीं डाल सकते हैं। वो मेरे माँ बाप हैं, हमारे ऊपर खिदमत फर्ज है ना भाई, उनका सेवा करना मेरे ऊपर फर्ज है, मेरी बीवी के ऊपर में फर्ज नहीं है। ये मेरी बीवी का हुस्न अखलाक है कि वो मेरे माँ बाप की खिदमत करके दुआएं ले ले। इसलिए नौजवानों, तुम्हारी माँ है तुम खिदमत करो, तुम्हारा बाप है तुम खिदमत करो, जन्नत में अल्लाह घर बना देगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, आपके लिए चार बातें हैं। कितने बातें हैं औरतों के लिए, कितनी बातें हैं औरतों के लिए, कितनी बातें बोलो भाई, चार। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों और अल्लाह की बंदियों, तुम्हारे लिए चार काम हैं दुनिया में, चारटे काज को रहनो, जन्नत राटा दरवाज़ा, जेटे दरवाज़ा चाहो जन्नत दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, दुनिया में चार काम कर लो, जन्नत के आठ दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम मेरी माँ बहनों, पहला काम नमाज का जब वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। दूसरा काम मेरी माँ बहनों, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना। तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। और चौथा अमल, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमा बरदारी करना। शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपनी बेटी फातिमा से, बेटी फातिमा अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुमसे खुश रहे तो अली को कभी नाराज ना करना। सुभान अल्लाह, बोले दमाशाल, अली को कभी नाराज ना करना, अली तुम्हारा शौहर है। ए बेटी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी रहे, अल्लाह के रसूल तुमसे राजी रहे, तो अपने शोहर को कभी नाराज ना करना, अपने शोहर को कभी तकलीफ ना पहुंचाना। इसलिए मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों सुनो, कान खोल कर सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह शोहर राजी रहेगा अल्लाह राजी रहेगा, शोहर नाराज रहेगा अल्लाह नाराज रहे। जो लोग यहां पर बैठे हुए, जो मेरी माँ बहनें यहां पर नहीं आई हैं, ये पैगाम अपनी बीवियों तक पहुंचा देना, अपनी बेटियों तक पहुंचा देना, अपनी बहनों तक पहुंचा देना। इसलिए कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मर्द अपनी बीवी को एक मसाला बता दे, कितने बता दे, एक मसाला बता दे अपनी बीवी को, जाकर कोई भी मर्द अपनी बीवी को एक मसाला बता दे, अल्लाह उसे 80 साल के नफली इबादत का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह उस मर्द को 80 साल के नफली इबादत का सवाब अता फरमाएगा। मेरी माँ बहनों, तुम घर में काम करती हो, झाड़ू लगाती हो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो औरत घर के अंदर में झाड़ू लगाती है, अल्लाह उस औरत को खाने काबा में झाड़ू लगाने का सवाब अता फरमाता है। अच्छा, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अबे लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहनें सोच रही होगी मौली साहब ठीक पॉइंट पकड़े, ये भी नबी की सुन्नत है, ये भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से कभी कभी अपने हुजरे में अपने कमरे में झाड़ू लगा दिया करते थे। एक मरतो अम्मा आयशा आटा लेकर बैठी है, रो रही है, अल्लाह के रसूल घर के अंदर में दाखिल हुए, देखिए अम्मा आयशा रो रही है, तो आपने फरमाया आयशा क्या हुआ, क्यों रो रही हो?
तो कहा या रसूल अल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता, उम्र छोटी थी। कहा या रसूल अल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता। प्यारे मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं कि आयशा इसमें रोने की क्या बात है, लाम आटा मैं गूंद देता हूँ। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से आटा गूंद कर अम्मा आयशा को दिए कि अब रोटी पकाओ। छोटे मोटे काम घर के अंदर में कर दिया करो, बीवी के हाथ बटा दिया करो। अब इस पर यह ना कहो ओहो कि तुम्हारा माँ बाप कुछ नहीं सिखाया है। ताना ना दो बीवी को, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है कि बीवी शौहर का लिबास है, शौहर बीवी का लिबास। और अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता, जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तो इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, बोलो भाई करो अमल करेंगे। जुमा में हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ करने में क्या है, अरे बोलो भाई बोलो, सवाब है। जुमे की नमाज पढ़कर ये नौजवान घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना निकाल कर दी। एक लुकमा खाया बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा लुकमा खाया बोला सुभान अल्लाह, तीसरा लुकमा खाया बोला माशाल्लाह, चौथा लुकमा खाया बोला वाह मुन्नी की माँ क्या खाना बनाई। बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही, ली बेलना आई पीछे से मारी सर में खटाक, बोला अरे काहे मारे हमको। तो उसकी बीवी बोली कि 20 साल मेरी शादी को हो गया, आज तक मेरे खाने की तारीफ नहीं किया, आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लाए हैं तो तारीफ नहीं थक रही, इतना बेलना मारेंगे सर का बाल उड़ा देंगे। इसलिए नौजवानों मजहब इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा मजहब है, बड़ा प्यारा दीन है। तो इसलिए अपने ईमान को मजबूत करो, कुरान की तिलावत करो, नमाजों की पाबंदी करो, नशा को छोड़ो। मुझसे पेशतर मुफ्ती नेमतुल्ला साहब काजी शहर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दामत बरकातुम हजरत ने बहुत अच्छी तकरीर करी नशा के ऊपर में, शराब के ऊपर में, कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से। देखिए मैंने पहले कहा था नौजवानों कि हम लोग हैं अमल नहीं, अमल नहीं है, हम सुनते हैं अमल नहीं है। अगर अमल हो जाए तो फिर जिंदगी ही ना बदल जाए। सहाबा सुनते थे, सुनने के साथ ही साथ अमल करते थे। शराब पीते थे सहाबा इकराम, शराब पीते थे, शराब पीना जायज था पीते थे, लेकिन जब अल्लाह ने मना कर दिया, कुरान आयत नाजिल हो गई कुर्बान जाओ, सहाबा इकराम ने फौरन माना, फौरन माना। शराब की नालियां बहती हुई नजर आई मदीने की गलियों में। मुसलमान तो वो है कि जो मानने वाले को मुसलमान कहते हैं, तो मानना होगा ना, अमल होनी चाहिए। हम सुने हैं तो अमल भी होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अमल करोगे, कितने लोग करोगे इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इन्हीं के साथ साथ बस आखिरी बात बताकर इंशाल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कुरान का पैगाम आप तक मैंने पहुँचा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बस नमाज के बारे में, नमाज किसी भी हालत में मुआफ़ नहीं है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। इसलिए मुसलमानों नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। कुर्बान जाओ, नमाज पढ़ो इससे कबल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। इसलिए नौजवानों मुसलमान हो और नमाजी ना हो, मुसलमान हो और बोलो भाई मुसलमान हो और, ये तो अफसोस का मकाम है, ये तो बहुत अफसोस का मकाम है कि मुसलमान हो नमाजी ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम नमाज नहीं छोड़ सकते। हम अपनी जान की कुर्बानी तो दे सकते हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे। हम अपने काम को छोड़ सकते हैं, नमाज को नहीं छोड़ सकते। नमाज के बोलो ना काज आछे,
काच के बोलो आमार नमाज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज रोजे का हुक्म जमीन पर आया, जकात का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया भाई? सारी गुफ्तगू हो गई, जब आने लगे अल्लाह के रसूल तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। या अल्लाह क्या तोहफा है? तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में और कुर्बान जी, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ये नमाज है, 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? 50 वक्त की नमाज। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लेकर चले, छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह तोहफे में क्या मिला है? कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा 50 वक्त की नमाज मिली है। कै वक्त की नमाज मिली? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो बहुत है, हमारी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ थी, फजर और असर। का या रसूल्ला मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करवाइए। अल्लाह के महबूब गए, ये अल्लाह कुछ नमाज़ें कम हो जाती, तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज़ कम कर दी जाई। कितनी रह गई भाई? आए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल्ला कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, मेरे अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 5 कम हो गई, जाइए। कितनी रह गई भाई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले अब 10। वह कितनी रह गई? बोले 40। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर जाइए। 9 बार गए, 9 बार गए, हर बार 5-5 वक्त की नमाज कम होती चली गई, तो 9×5=45 वक्त की नमाज खत्म हो गई। कितनी रह गई भाई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया मूसा 5 वक्त की रह गई है, 45 कम हो गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे आहा बहुत अच्छा रहता, एक बार और चले जाते। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मूसा मुझे अब अल्लाह की बारगाह में नमाज कम कराने के लिए जाने में शर्म आती है, मैं पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने ऐलान किया मेरे महबूब मेरी गुफ्तगू, आपकी गुफ्तगू मैंने सुन लिया है, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है, मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज दिया मैं कम कर, अब मैंने उस नमाज को कम किया, कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। ऐ मेरे महबूब जो भी मेरा बंदा, जो भी आपकी उम्मत ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाऊं। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ताजिर हो, तिजारत करते हो, जहाँ वक्त मिल जाए नीयत बांध कर खड़े हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खेत में काश्तकार हो, काश्तकारी करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह खेत दूर है, गांव दूर है, मस्जिद दूर है, वहीं पर वज़ू बनाकर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। पानी नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी मौजूद है, तयम्मुम करके नमाज अदा कर लो, कुर्बान जाओ। मोमिन की शान वो है, चाहे वो सफ़र हो, चाहे वो हजर हो, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, जब अजान की आवाज़ उसके कानों से टकराए तो जब तक वो नमाज ना पढ़ ले उसे सुकून नहीं मिलेगा, ये मोमिन की पहचान। अभी मैं आपको बताऊं, रांची एयरपोर्ट जलसा करके मैं कोलकाता आना था, फ़्लाइट पकड़नी थी, या कोलकाता से बागडोगरा हमको आना था, बिहार का जलसा पकड़ना था। और कुर्बान जाइए रांची एयरपोर्ट के अंदर में टिकट काउंटर पे जहां बुकिंग है वहां पर मैं पहुंचा, अपना आधार कार्ड पेश किया और मोबाइल नंबर मैं दिखाया टिकट, तो मैंने कहा कि गुड मॉर्निंग सर, मैंने सलाम किया वो टिकट काउंटर पर जो बैठा हुआ था, एक नौजवान लड़का था, तो बोला कि अस्सलाम वालेकुम। वो नौजवान बोलता अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। बोला कि मौलाना साहब मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा अल्लाह का बंदा बड़ी खुशी हुई कि तुम मुसलमान हो, लेकिन बाबू माफ़ करना हम तुम्हें पहचान नहीं सके, हम तुम्हें पहचान नहीं सके, इसलिए कि तुम्हारी शक्ल से पता नहीं चल रहा है कि तुम मुसलमान हो।
हालांकि मुसलमान की शान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। आज हमारी हालत यह है, कुर्बान जाओ ना सर पे टोपी है, ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना वैसा लिबास है कि पहचान में आए कि मुसलमान है कि नहीं। अब बताइए ना, पता चला दो लड़का, एक हिंदू लड़का है, एक मुसलमान लड़का है, और दोनों एक ही लिबास पहना है, उसके सर पे भी टोपी नहीं, उसके सर पे टोपी नहीं, उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, वो भी पैंट शर्ट पहना है, ये भी पैंट शर्ट पहना है, पहचान में आएगा भाई? अरे भाई पहचान लोगे, पहचान लोगे? हाँ, भागलपुर जाते हुए कोई हादसा हो गया, मुसलमान लड़का था, हादसा हो गया, लोग जमा हो गए, बोले भैया के छे हो, पहचानो हो, कहाँ करो छे हो? बोले नहीं पहचानो भाई, के छे, मुसलमान छे कि के छे, हिंदू छे कि के छे, ईसाई है कि क्रिश्चियन है कि पंजाबी है, कौन है पता नहीं चला। तो मुसलमान लोग जमा हो गए, बोले देखो ना इसका आधार कार्ड देखो ना, जेब से निकालो ना, देखो ना नाम से पता चल जाएगा, नाम से पता चलेगा नहीं चलेगा? अबे चलेगा ना, नाम से पता चल जाएगा। जेब में हाथ दिया, आधार कार्ड निकला, बोले पढ़ने वाला लड़का आगे बढ़ा, बोले पढ़ते रहे कि नाम चिरे, अभी पता चली तो मुसलमान चिन्ह जब, तो पढ़ कर पढ़ने वाला बोले एक राम नाम लिख लो जी मिंटू, बोला मिंटू के रंग है थे, बोले बापा का नाम देखा, बाप का नाम की जगह, बोले बापा का नाम चिंटू, बताएगा भाई, पकड़ाएगा, पहचानाएगा, मिंटू इधर भी, मिंटू उधर भी, चिंटू इधर भी, चिंटू उधर भी, पप्पू इधर भी, पप्पू उधर भी, लड्डू इधर भी, लड्डू उधर भी है, खट्टू इधर भी, खट्टू उधर भी, हब्बू इधर भी, हब्बू उधर भी है। लोग परेशान हो गए कि कैसे पहचान में आएगा, कुर्बान जाओ। तो एक बूढ़े मियाँ बोलेगा, का है परेशान भेजो तो जाओ, एक उपाय है एकदम फाइनल भाई, तो वो किधर को छे? अब वो उपाय क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की शान तो वो होनी चाहिए कि मुसलमान करोड़ों में हो तो उसे लोग पहचान ले कि ये मुसलमान है, ये मजहब इस्लाम का मानने वाला है, ये कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि खुदा न खास्ता कहीं मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, कहीं अगर हमारी मौत हो जाए तो दुनिया वाला हमारे नाम से, हमारी शक्ल से नहीं, हमारे लिबास से नहीं, हमारी शर्मगाह को खोल कर देखे कि मुसलमान है कि नहीं। क्या हम इतने गिर गए? अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो मेरे बच्चों नौजवानों, तो इंशाल्लाह अपने चेहरे को, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाएंगे इंशाल्लाह। भाई दाढ़ी रखोगे इंशाल्लाह? दाढ़ी रखो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, ये नबी की अजीम सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल के सामने कैसे पेश हो गए बगैर दाढ़ी के, कैसे सामना करोगे? तुम्हें पता भी है, खबर भी है। अभी देखो ना खिलाड़ी हाशी मामला, हाशी मामला को जानते हैं? जो लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, उस टीम के अंदर में वाहिद खिलाड़ी, अकेला खिलाड़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है नौजवानों, इतनी बड़ी दाढ़ी है। पैसे की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है, लेकिन मीडिया वालों ने पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि हाशिम हमला जी इतनी बड़ी दाढ़ी रखकर आप नमाजों की पाबंदी करते हैं, रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, ये 11 यहूदी खिलाड़ियों के साथ में रहते हैं, आप कैसा फील करते हैं? तो हाशिम अमला ने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, जब नमाज का वक्त होता है, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये तमाम साथी मेरी इज्जत करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, और मैं जब भी मैं सफर में होता हूँ, मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान होता है, मैं तिलावत करता हूँ, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। ऐ नौजवानों, इसलिए दीन से मोहब्बत करो मेरे बच्चों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। दाढ़ी रखो, अपने चेहरे को दाढ़ी, ऐसा नहीं है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं तो दाढ़ी रख ली बुढ़वा भाई जान, कहे दाढ़ी रखने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? और एक शिकायत और भी लोग कहते हैं कि जो दाढ़ी रख लेगा ना वो लड़का का ब्याह नहीं होगा, कहे का है दाढ़ी वाले की शादी नहीं होती है,
और एक बात पते की बता दूँ, सुनो, एक कौम है, एक कौम है, एक जमात है, वो जो ट्रेन में बस में वो लोग मांगते हैं, ताली बजाते हैं, जानते हो? और की बोलिए हो, अरे बोलो हो ना हो, छक्का हिजरा जो बोलो। एक बार पते की बात बताऊं सुनो, पते की बात बताऊं सुनो, मैंने तजर्बा किया है नौजवानों, तुम भी तजर्बा करके देख लेना, यकीन ना हो तो किसी हिजड़े से पूछ के देख लेना। मैं सफ़र करते रहता हूँ ना ट्रेन में, तो वो लोग ट्रेन में जब चढ़ते हैं ना तो दो चार की जमात होती है उन लोगों की, अकेला नहीं, दो चार पांच छह निकलते रहते हैं और ज़बरदस्ती करते रहे, निकाल निकाल, मेरे पास नहीं आता, वो लोग मेरे पास देख के मुझे, हम समझे कि शायद हम लोग मौलाना साहब हैं इसलिए नहीं आता है। और इत्तफाक ने कुछ दिनों के बाद वो जो लोग चढ़ा ना, तो एक से मैंने कहा कि बाबू ए ए 10 रुपये ले लीजिए, बोला नहीं मौलाना साहब आप रखिए, आपसे नहीं लेना। तो उनको बुलाया, मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए सबसे पैसा लेते हैं आप, हमसे क्या नहीं लेते? बोला नहीं आपके चेहरे पे दाढ़ी ना है, हम मर्द से पैसा नहीं लेते हैं, हम मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। तो पता ये चला कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है हिजरा भी उसका अदब करता है, वो समझता है ये मर्द है। यहाँ का नौजवान हमारा ए है ये है, दाढ़ी जहां निकली फुट्टी, अरे निकालो जल्दी हो खुजला भाई जो। अच्छा देखिए, नाई की दुकान में बैठकर कहता जल्दी छीलो, उस वक्त भी दाढ़ी कहती है मत छीलो तुम मर्द हो। अच्छा ये बताइए, दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलो ना भाई, मर्द के चेहरे पे दाढ़ी निकलती है, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी नहीं निकलती है। ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, कुर्बान जाओ वो निकलती है मर्द के चेहरे पे। ये नाई के दुकान में बैठ के बोलता जल्दी छिलो जल्दी छिलो, तो दाढ़ी कहती तुम मत छिलो तुम मर्द हो तुम मर्द हो, ये बोल जाने हम मर्द नहीं जो हम वहा जल्दी छिलो। इसलिए मेरे नौजवानों मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन की पहचान दाढ़ी है। और कुर्बान जाओ नौजवानों एक बात याद रखना, अभी फिलिस्तीन में इसराइल में जंगें हो रही है, और कुर्बान जाओ वहाँ का नौजवान अभी निकाह नहीं किया, अभी निकाह नहीं करता, शादी बंद है, निकाह बंद है। मीडिया वालों ने नौजवान से पूछा, ए नौजवान तुम निकाह क्यों नहीं करते हो, तुम जवान हो? वो नौजवान ने जवाब दिया कि हम लोगों ने अहद किया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। वो मेरा क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा, सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मैं उन माँ बहनों को सलाम करता हूँ, मेरे माँ बहनों तुम ग्रुप में लोन में उलझे हो, हमारी माँ बहनों को देखो, फिलिस्तीन की बेटियों को देखो, गोद में मुर्दा बेटा है, 4 साल का बच्चा लाश गोद में है, शोहर की लाश यहां पड़ी है शहीद हुआ है। मीडिया वालों ने पूछा कि बहन इस वक्त क्या कहना चाहती हो, तो वो बहन कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह जिस पर राजी है मैं भी उस पर राजी हूं, ये मेरा एक बेटा क्या, अगर मेरा 10 बेटा होता तो मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देता। दीन को समझो, ईमान उसे कहते हैं, ईमान उसे कहते हैं, ईमान उसे कहते हैं। यहाँ तो हम लोगों का ईमान का ये आलम है कि एक गो चाय में गवाही बदल जाती है, एक गो चाय पिला दो ना बस वो आप ही की तरफ से बोलेगा, एक गो चाय बेसी नहीं, एक ही गो चाय पिला दी उसको। और आलम ये है, चाय की दुकान में बैठा हो, एक आदमी आया, भैया आया अस्सलाम वालेकुम, बैठा भैया बैठो की खबो मलाई खबो की चाय खबो की, खा के बेचारा चला गया। दूसरा आदमी बोला कि केजे हो, बोला फालतू आदमी से। इसलिए मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह हम लोगों के ईमान को मजबूत बना दे। आमीन बोलो। हाँ, ईमान मजबूत हो।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। कई चीज़ों को, दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। तो साहबा ने अर्ज़ किया, आमिना के लाल, वो दो चीज़ें क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान है और दूसरी चीज़ मेरी सुन्नत है। अल्लाह के कुरान और मेरी सुन्नत, ये दोनों चीज़ों को तुम हमेशा तुम्हारी सरबुलंदी रहेगी, हर कौम पर तुम हावी रहोगे। अगर ये दोनों चीज़ों को तुम छोड़ दोगे, तुम गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आज यही हालात हैं, यही आलम है कि आज हम कटे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं, कोई भी कौम हमारी इज्जत नहीं कर रही है, इसलिए कि हमने अल्लाह के कुरान को भी छोड़ा है, मुस्तफाए कायनात की सुन्नत को भी छोड़ा है। और फिलिस्तीन के नौजवान क्या कहता है, किसी शायर ने कहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं। बिल्कुल सुनाइए। मैं सुना दूं, वक्त की किल्लत है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बस दो बजने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के अंदर में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी, इसलिए कि ताखिर हो गई, फजर की नमाज़ पढ़नी है। एक बात याद रखिए, ये जगना आप जगे हैं, मगरब से लेकर या ऐशा से लेकर अब तक आप बैठे हुए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप फजर की नमाज पढ़े बगैर सो गए, या आप सोए फजर में नहीं उठ पाए, ये पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों नौजवानों, अगर 2 बजे यहाँ से दुआ, हमारे अकाबिरीन ने पूरी रात के जलसे को पसंद नहीं किया। बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ आइए आप, देखिए वहाँ मगरिब बाद जलसा शुरू होता है, रात 11 बजे 12 बजे तक जलसा ख़त्म हो जाता, ताकि लोग सोए, फजर की नमाज पढ़ें, फिर कारोबार है, तिजारत है, अपने अपने काम करें। इसलिए बेहतर है, मैं जितने भी अराकीन जलसा है, नौजवान हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे बच्चों, इस जलसे से हमारी कौम को फायदा मिलना चाहिए, कम से कम कुछ लोग नमाजी तो बन जाए भाई। हम कमेटी वालों को, नौजवानों को दावत देते हैं कि मेरे बच्चों ये जलसा सजाए, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि तुम दीनी मजलिस सजाए हो, लेकिन इससे फायदा तुमको भी पहुंचना चाहिए, इससे फायदा यह होना चाहिए, अगर तुम नमाजी नहीं हो तो नमाजी बन जाओ, ताकि मोहल्ला वाला कहे कि कम से कम जलसे से एक फायदा तो यह पहुंचा कि जलसा से पहले यह लड़का नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन जब से जलसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह यह 5 वक्त का नमाजी बन गया। यह फायदा तो होना चाहिए ना। तो फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, बस 5-7 मिनट में ये नज़्म सुना कर इंशाल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। इसलिए मेरी माँ बहनों, माँ बहनों से भी गुजारिश है कि जो बेनमाजी हो नमाज़ों का पाबंद बन जाओ, इंशाल्लाह अमल करेंगे। भाई नौजवानों, मैंने पहले कहा था कि देखिए जलसा सुनने से नहीं होता है, आपने तकरीरें सुनी उलमा इकराम की और फिर आप अमल ना हो, मेरे भाई, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, तो फिर ये सुनना बेकार हो जाएगा। अल्लाह इसके बारे में भी पूछेगा कि मेरे कुरान को तुमने नहीं सुना,
उलमा की बातों को तुमने सुना कि नहीं सुना? उस वक्त कहोगे अल्लाह सुना तो था लेकिन मैंने अमल नहीं किया है। अल्लाह के बारगाह में इसका भी जवाब देना होगा। मैं इन नौजवानों को सलाम करता हूँ जिन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस दीनी इजलास को सजाया है। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर को छोड़कर कड़ाके की ठंड में सर्दियों में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों घरों के अंदर में अखलाक पैदा करो, घरों के अंदर में मोहब्बत पैदा करो। मेरी माँ बहनों हम बहुओं से कहना चाहेंगे, मेरी बहनों मेरी बेटियों अल्हम्दुलिल्लाह तुम सास ससुर की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। और हर सास को हम कहेंगे कि हर बहू को अपनी बेटी समझो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर तुम्हारी बेटी से कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तुम माफ़ करती हो कि नहीं करती हो, नाराज़ तो नहीं होती हो? उसी तरीके से बहू से अगर कोई भूल चूक हो जाए, गलती छोटी मोटी हो जाए, तो उसे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दो। घरों के अंदर में मोहब्बत पैदा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे रोटी रोज़ी में घर में बरकत अता फरमा देगा। झगड़े लड़ाई जहाँ होते हैं तू मैं जहाँ होगा वहाँ रहमतों का नुज़ूल नहीं होता है, वहाँ बरकत नहीं है। अल्लाह पाक हमारी माँ बहनों को भी नेक बातें सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह जितने भी नौजवान ये कड़ाके की ठंड में यहाँ पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके आने को बैठने को सुनने को, अल्लाह तमाम उलमाए किराम के बयानात को ये अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप लोग बैठे रहेंगे, दुआ करके जाइए।